Hamiltonian value of free Hamiltonian. Free Hamiltonian mean if there is a no external force. आप classically जानते हो कि Hamiltonian का मतलब जो है क्या होता है. You do you know the meaning of Hamiltonian? Yes, you are right. When we move from Lagrangian, Lagrangian is function of Q and Q dot, and you move toward the Hamiltonian. Okay. Hamiltonian will be function of you know that Hamiltonian function will be function of Q and partial L over partial Q dot. Okay. And this partial L over partial Q dot will be momentum. Okay, so this H will be the function of Q and P. And I have already explained that Hamiltonian जो है आपको I have already explained कि हम momentum को quantize कर सकते हैं. Momentum को कैसे quantize कर सकते हैं ये सारा कुछ हम आगे मतलब fourth postulate में पढ़ेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. अभी हम momentum की value directly put कर देंगे. हमें पता है कि momentum क्या होता है. So when we move from Lagrangian to Hamiltonian, then Hamiltonian will be defined as the Hamiltonian. क्या हुआ? सारे लोग इसी को देख रहे हैं. Position and momentum. ये देखो ऊपर जा सकता है इसका. This Hamiltonian will be function of position and momentum. And we know that from the classical mechanics, we can quantize only the position and momentum. We can quantization means we can define the operator of position and momentum. कैसे momentum का operator निकाला जा सकता है वो इंशाल्लाह ताला जो हमारा या कल का lecture या next lecture होगा इंशाल्लाह ताला we will prove that how we will define the operators and how we can find the operators corresponding to different classical physical observables. Okay, इंशाल्लाह. असल में जो भी आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये आपके पास एक अलजेब्रिक ग्रुप होता है. ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो ग्रुप थ्योरी से आते हैं. लेकिन जाहिर है आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो लीनियर अलजेब्रा मेरे से नहीं पढ़ के आए हैं. सो वी विल अवॉइड टू यूज़ दी ग्रुप थ्योरी. बट हम कोशिश करेंगे हम जो है कम्यूटेशन रिलेशन तो आपने देखा. पाइथन ब्रैकेट वाली असाइनमेंट तो आप लोगों ने कर ली होगी. है कर ली है ना. इफ यू हैव डन इफ यू हैव कंप्लीटेड दैट एक्सरसाइज देन इट विल बी अ वेरी इजी. हम उस प्रोस्पेक्ट उस साइड को लेके चलेंगे. ठीक है, ताकि जिस चीज का आपको पता है. तो वैसे तो ग्रुप थ्योरी के तौर पर भी यूज किया जा सकता है. बट आई नो के बहुत से स्टूडेंट ने शायद पढ़ाए ना हो तो इस वजह से वी विल अवॉइड. ठीक है, हम ग्रुप थ्योरी को नहीं यूज करेंगे. एनीवे तो हैमिल्टोनियन जो है आपके पास तो हैमिल्टोनियन एनर्जी होती है. यू नो दैट दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये सारा कुछ हम सीएम में पढ़ चुके हैं. ये कैसे आता है, ये क्या है. एक्चुअली वैसे इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. दिस इज द वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन काइनेटिक एनर्जी. इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि आपने देखा था कि लैग्रांजियन पहले था वो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. फिर देन हमने प्रूव किया कि वो उसके अलावा भी हो सकता है. एक्चुअली मोमेंटम is the function Lagrangian function of position and velocity, and that is the scalar quantity. लेकिन इस सारी चीजों को हम डिटेल में बाद में देखेंगे. अभी हमें ऑपरेटर देने हैं. ऑपरेटर देने के बाद इनकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन स्टेट कैसे निकालते हैं, अभी हम सिंपल इस पे चलाते हैं. ठीक है, सो एच इज हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन की स्टेट जाहिर आपके पास कोई स्टेट है. This is the Hamiltonian state. When we apply a Hamiltonian, it will give you the energy. Okay? It will give you the energy. Hamiltonian ki eigen value is the energy. Okay? And so if H is operated classic ज़ाहिर है क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकली दैट इज द फिजिकल ऑब्जर्वेबल. बट इन क्वांटम मैकेनिक्स देर विल बी आ हर्मिशियन ऑपरेटर. ठीक है, क्लासिकल में जो ऑब्जर्वेबल्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, ऑपरेटर्स. ओके, सो एंड दिस हैमिल्टोनियन दिस एच ऑपरेटर इज एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी.
वन ऑफ द यूनिक रिप्रेजेंटेशन, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. इसके अलावा भी बहुत सी रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन अभी हम जो है बहुत सिंपल, हम जनरल बहुत फॉर्मल नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत हम रफ. जैसे मैंने कहा कि छोटी क्लासों में बहुत सी चीजें आप इन्हें बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं पढ़ते, तो पूरी ही मिस्टेक होती है. आप उधर आते इजी आपको मुझे लगता है, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेते हो लेक्चर में. मैं ये कहता हूँ ज्यादा सही आ रहा है. तो और दूसरा, जब भी फ्लू वगैरह लगे तो आजकल क्योंकि कोविड का है, अपना मास्क कर देना, ये बाकी के लिए भी देता है. अदरवाइज सिंपली नहीं मिल सकती जरूरत, लेकिन अगर आपको फ्लू वगैरह तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज्यादा, ठीक है. एनीवे हम ये पढ़ चुके हैं कि वैसे तो ये डेफिनेशन इट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन और ट्रू डेफिनेशन, फॉर्मली ये ट्रू नहीं है, लेकिन हम टाइम बीइंग जो है रफली जो है इसको हम इस तरह देखते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने कहा पहले लैग्रांजियन है, हमने लिया काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसके अलावा भी उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. लेकिन क्योंकि अभी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, BQ1 का कोर्स 1 पढ़ रहे हो, सो दैट्स व्हाई हम बहुत रफली स्पीकिंग उसकी डेफिनेशन जो है उसको लेते हैं, ठीक है. इसके बाद इंशाल्लाह ताला जब हम इसकी जनरलाइज फॉर्म लिए, वो भी आस्ता आस्ता जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे वो भी पढ़ेंगे. और उस वक्त ये ना कहेंगे सर उस वक्त ये, लेकिन उस वक्त की वजह ये है कि उसको थोड़ा सा इनहांस हम करेंगे, ठीक है. So this Hamiltonian will be of kinetic energy, or kinetic energy B classical में तो kinetic energy we know that 1/2 mv², ठीक है. But in quantum mechanics that must be operators, as we know that kinetic energy will be operator and potential energy will be operator, and this will be a p² / 2m. Yes. अगर मैं m ऊपर मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी जो है डिवाइड भी कर दूं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी. और ये क्या है p² / 2m. That will be kinetic energy. So yes. That's why in the operator form that will be a p² / 2m + v cubed. And this is pq. Yes. Yani momentum conjugate hai na. You know the. Okay. Why? ये operator आपके पास ही आता है. So. The potential energy. फ्री का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उसका क्या मतलब होगा? देयर इज अ नो इंटरेक्शन. अगर नो इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा? इंजेक्शन ना हो तो पोटेंशियल क्या होगा? कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा. एंड पोटेंशियल मैंने कहा था अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो दैट कैन देयर पोटेंशियल विल बी, ये सारा उसी एसटीएम का है कि अगर पोटेंशियल जो है, अगर आपका जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, देन पोटेंशियल विल बी फंक्शन ऑफ पोजिशन ओनली. इफ योर एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, देन इट मे बी अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल वेलोसिटी, ठीक है. लेकिन हम अभी इतना डीप में, हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, बल्कि हम कंजर्वेटिव फोर्स को भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम फ्री पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं. या देयर इज अ नो, क्योंकि जब पर्टर्बेशन टेक्निक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला Q2 में, वहां हम जो है इंटरेक्टिंग पार्टिकल की बात करेंगे. आपको लीनियर जबरा का तो खैर आप लोगों ने कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा. तो पोटेंशियल जो होता है ये आपके पास नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है, और जब भी नॉन लीनियर ऑपरेटर आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए वो आपके लिए डिफिकल्टीज होगी. लीनियर ऑपरेटर्स को या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है, तो हम ज्यादातर लीनियर इक्वेशन को, खैर नॉन लीनियर इक्वेशन लिए जो पोटेंशियल आता है ये नॉन लीनियर ऑपरेटर में आता है, और इक्वेशन आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर बन जाती है. लेकिन इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे जब आप थोड़ा सा मैथमेटिकल मैच्योर हो जाए. अभी हमारे कोर्स में बिल्कुल फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल मीन आपके पास नो इंटेंशन, फ्री पार्टिकल मीन No.
नो इंफ्लेक्शन मीन इज दैट आपके पास वी क्यू, अच्छा वी क्यू, ये एक और बात है कि वी क्यू जीरो तो नहीं हो सकता, ये भी एक बात है, आई एग्री विद यू कि दिस इज ऑपरेटर एंड आई कांट राइट, इफ आई राइट दैट दैट इज इक्वल टू, इफ आई राइट दैट दैट इक्वल टू जीरो, रफली स्पीकिंग इट इज ट्रू, बट फिर क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर की जगह जीरो या नहीं पुट कर सकते, तो दैट विल बी अराउंड, ओके। सो एक्चुअली मसला क्या है कि वी की दिस हैमिल्टोनियन इज अप्लाइंग ऑन द फाइनल स्टेट, सो व्हेन हैमिल्टोनियन विल अप्लाई, सॉरी व्हेन क्यू ऑपरेटर विल बी अप्लाई, दिस विल बी वी क्यू and main value of this q is the eigen value of velocity and आपके पास जब ये अपनी आइगन स्टेट पे अप्लाई होगा तो एक्चुअली क्या है कि q जब अपनी आइगन स्टेट पे अप्लाई होता है तो q ऑपरेटर इसकी आइगन वैल्यू जो है q में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये पोजीशन अगर और ये आगे हम प्रूफ करेंगे, अगर बहुत ही चीजें हैं कि अगर किसी चीज की, मैं इसको जरा और सिंपल में करना चाहूंगा, एक अगर आपके पास कोई ऑपरेटर ओ है, ये समझाने के लिए ये क्योंकि आगे हमें प्रूफ करने हैं, असल में ये चीजें यूज पहले होने लगी हैं और अप्लाई हमने प्रूफ बाद में करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जिक्र यहाँ कर देंगे और फिर इसको अगले लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पास्टुलेट्स पढ़ रहे हैं। अगर जब भी कोई अपनी ऑपरेटर आइगन स्टेट पे अप्लाई करता है और उसकी आइगन वैल्यू ओ होती है, तो कोई भी फंक्शन जो इस ऑपरेटर का फंक्शन होगा, व्हेन एवर दिस अप्लाई ऑन इट आइगन स्टेट वही होगी, इसकी आइगन वैल्यू भी ये आएगी, इसलिए डोंट नीड टू बी वरी, ये हम आगे प्रूव करेंगे, ठीक है, यही आइगन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और स्टेट भी वही रहेगी। O apply करने के बाद अगर आपके पास O आ रहा है, O is a constant, यहाँ O एक constant है, ठीक है? अगर कभी operator apply करते हैं, उसकी एक eigen value O होती है, तो उसके function की भी eigen value F of O हो, और इसका proof हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप time में इस theorem को zin वैसे machine करने, वैसे तो आसान ही है कि अगर कोई चीज किसी operator किसी state पे apply होती है और उसकी eigen value O आती है, तो उसके function को भी जब आप apply करेंगे तो उसकी eigen value और इसकी आइगन वैल्यू एक्स ये आई है, ठीक है। इसी तरह आप अगर साइन एक्स अप्लाई करते हैं तो इसकी, अब ये देखो साइन फंक्शन ऐसा एक्स ऊपर, तो इसकी आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, ठीक है। मजीद समझाने में मुझे लगता है बाद में स्टूडेंट हो सकते हैं कंफ्यूज, मैं दोबारा समझा, मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा, मैं दोबारा वैल्यू, मसाले तौर पे आपने पढ़ा हुआ है कि मैंने अगर यू अप्लाई मोमेंटम ऑपरेटर ऑन साई पी, तो आइगन वैल्यू क्या आपके पास के के थी ना, वैसे एच कट के होती है, वैसे इसकी आइगन वैल्यू आती है एच कट के, लेकिन मेरे ख्याल आपने जो क्या इलेक्शन नहीं होना किया था वहां लिया होगा आपने के लिए, नहीं वन नहीं हो सकता, मैंने अभी लास्ट लेक्चर जो है आपको नहीं, ये तो ऑपरेटर आई है, मैंने पूरा ड्राइव कर एन के, ठीक है, एन अगर वन ले लें वो एक अलग बात है, एन के आप माइनस किया आई कैन, और ये आपके पास साइन किया एन के आया था कि व्हेन वी अप्लाई ऑपरेटर, व्हेन वी अप्लाई पी ऑपरेटर दैट इट विल गिव यू द आइगन वैल्यू एन के एंड द आइगन स्टेट, दैट मोमेंटम स्टेट की होगी, आइगन ऑपरेटर ने अपनी स्टेट, ठीक है।
तो वो मोमेंटम की आगे वैल्यू क्या है, ये हमने ड्राइव किया, वी हैव ऑलरेडी ड्राइव, ओके, वी हैव ऑलरेडी ड्राइव इन लास्ट लेक्चर, ये हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया, ठीक है, आगे वैल्यू हमने फाइंड. तो अब क्या है, अगर p की मैं कोई लॉग ले लेता हूं, cos ले लेता हूं, ये वैसे यहां भी हम यूज करेंगे. अब मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं p sin p और इसकी वैल्यू को मैं sin p पे अप्लाई करूंगा, तो इसका आंसर आप मुझे निकालने की जरूरत है, वी डोंट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू कि p की आइगन वैल्यू क्या है, n k, तो वी कैन राइट इन दिस वे, n k sin n k sin, तो दिस विल बी द इसकी आइगन वैल्यू दिया, ठीक है, सो वी कैन यू मे राइट डायरेक्टली दिस इज द आइगन, यस, मोमेंटम ऑपरेटर का तो अगर कोई चीज किसी चीज का फंक्शन है तो उसकी आइगन वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, और यही चीज मैंने यहां अप्लाई की कि जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि क्यू की आइगन स्टेट जो है आपके पास जो आइगन वैल्यू वो होती है, और अगर आपका पोटेंशियल जीरो है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बहुत जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई या जीरो दैट विल बी जीरो, तो इसकी आइगन वैल्यू जो होगी जो फ्री पार्टिकल है उसकी आइगन वैल्यू पोटेंशियल की क्या होगी, जीरो आइगन वैल्यू, ये पिछला लेक्चर आप तो वैसे k इज अ बाइनरी नंबर, n इज अ एनी नंबर 1 2 3 मुख्तलिफ पॉसिबल, मैंने कहा ना क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल वैल्यू होती है, तो 1 2 3 4 एक्चुअली इसकी आइगन वैल्यू होती है n h का k, वो आप अगर ट्राई करते तो जरा आपको समझने में ज्यादा इजी हो जाता, क्योंकि मैंने आपके पास नेचुरल यूनिट यूज किया था, वहां h की जगह मैंने 1 कर दिया था, तो अगर आप 1 नहीं करोगे तो यहां h का k आ, तो आपके पास ये सब कुछ इन नेचुरल यूनिट, सॉरी ओके, ये मैं साफ कर सकता हूं, कर सकते हैं जी सर, सारा कर ओके. So when we put this value, that is will be zero. असल में ये चीज हम यहाँ put करेंगे तो हमारे पास आ गया p q square over 2m and plus v q operator and when we apply this operator on psi p it will give you the value e. Hamiltonian की ये eigen value e. Energy is eigen value of the Hamiltonian. Okay and हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है ना, ये जिस चीज की स्टेट होगी उसी की उसी का हम जो है वो लिस्ट यूज करेंगे, मैं लिख रही हूं ये कि आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये क्या है आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन एंड व्हाट इज दिस, ये क्या आपके पास ये दोनों, ये क्या है आइगन स्टेट, या ठीक है, तो अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने जाहिर है जब ये दोनों इस पे अप्लाई होंगे तो हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू है जो कि e जो कि इक्वल होगा e साई h दिस के, ओके,
And when applied this operator, this will give you the this eigenvalue, energy as the eigenvalue, and this will be the state Hamiltonian. अभी तक समझे? So अब ये है, ये p operator भी इसपे apply हो रहा है और ये operator भी आपे इसपे apply हो रहा है. बट ये ऑपरेटर जब अप्लाई होगा, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने p ऑपरेटर को भी, तो आपके पास एक एक स्टेट ये आ गई प्लस एक स्टेट आपके पास एंड दिस विल बी दिस. ओके, when we apply a potential operator as we have already mentioned here, okay, this q will be converted to it into its eigenvalue, and vq psi h is equal to vq psi h, that is zero for free Hamiltonian. ये आपके पास free Hamiltonian. Okay, clear हो गया? Yes sir. So ये जब zero होगा तो ये zero हो जाएगा. Actually आपके पास आपके पास ये, ओके, व्हेन यू हैव अप्लाइड दिस फंक्शन ऑन दिस, दिस विल बी आइगन वैल्यू एंड दिस विल बी द आइगन स्टेट. ओके, सो अप टिल येट दिस रिजल्ट इज सिंपल, सिंपली हमने पोटेंशियल को जीरो पुट किया, इसके अलावा कुछ. ओके, सो मोमेंटम ऑपरेटर किसके बराबर है? मैंने बोर्ड का वैसे मैंने कहा एक दफा व्यू देख लूं, ठीक है. तो मोमेंटम हमने किसके बराबर प्रूव किया हुआ? वी हैव मोमेंटम ऑफ ऑपरेटर इज गिवन दैट माइनस योटा एच का कर्ली बाय कर्ली क्यू. अभी इफ दिस इज देयर इज के, देन इट विल बी अ के. अगर आपने के नहीं लगाया तो वो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप के लगा रहे हो तो दैट विल बी ओके. असल में हमें लगाना चाहिए, तो यहां हम फिर के लगा लेते हैं, नहीं लगा ठीक है, ताकि हमें के ना लगाएं, क्योंकि के हम एज ए वो उस पर यूज कर रहे हैं. हम यहाँ कौन सा वैल्यू लगा दें सर? कोई भी ना लगाए, एम लगा, ताकि हमें डिफरेंस पता चले. ठीक है, पीएम ये एम जो है नीचे एम वाला इसको यूज करेंगे. अच्छा, चलो एल लगा दो अब. ठीक है, अब तो नहीं करेगा अब. ठीक है, फिर ये मल्टोनियन में हमारा पोटेंशियल, जो पोटेंशियल की आइगन वैल्यू है वो जीरो. पोटेंशियल ऑपरेटर खुद से तो जीरो नहीं हो सकता, बट उसकी पोटेंशियल क्या है, मतलब देयर विल बी अ नोन इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन पोटेंशियल ऑब्वियस विल बी नोन इंट्रैक्शन. ठीक है, अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, आइगन वैल्यू. ये जो है ये कांस्टेंट होगा ना, आइगन वैल्यू विल बी आर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट है. ऐसा ही है, मैंने आपको थर्ड पार्शियलिटी में बताया था, अगर आपको याद हो तो. आइगन वैल्यू क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है, ऐसे ही है ना. तो जाहिर है जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो जीरो भी हो सकती है. इफ देयर इज अ नो इंट्रैक्शन तो आपके पास ये कांस्टेंट नंबर है. ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू जीरो है, तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आई नो के दैट विल बी अ जीरो फॉर दैट पर. ये हमारे पास ओके ओके पी जो ऑपरेटर आपने अप्लाई किया, तो पी एल स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? माइनस. अच्छा, नेचुरल यूनिट में करेंगे इसी में, आप क्योंकि फिर आगे वाली दोबारा उसकी करनी पड़ेगी, ये आप पे डिपेंड है कि नेचुरल यूनिट लें या नेचुरल यूनिट. फिर नेचुरल यूनिट में ले लो इन और नेचुरल यूनिट एच कट सॉरी
x1 = 1। सो आपके पास पी एल सी की वैल्यू 1 है, तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, तो पी के है पी ऑपरेटर किसके बराबर आ जाएगा, पी एल ऑपरेटर आ जाएगा माइनस जो आपने एच कट कर ली बाई कर ली क्यू है। ओके यस सर। और पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस योटा एच कट कर ली बाई कर ली सॉरी कर एच तो गया था माइनस योटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, योटा का स्क्वायर माइनस वन माइनस एंड दिस विल बी पार्शियल स्क्वायर ठीक है यस। सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन 1/2m माइनस पार्शियल स्क्वायर, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन को x अगर कह देते हैं तो इक्वेशन x बिकम क्या बन जाएगा, इक्वेशन x पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस पार्शियल क्यू एल स्क्वायर आपके पास। सो आफ्टर डूइंग दिस यू कैन राइट दैट मैंने माइनस टू एम उधर ले लिया ठीक है ठीक है yes. समझ आ रही yes. पक्की बात है yes. एक दफा मैं अपनी क्लास में था, एक दफा ना ऐसे ही कोई लेक्चर चल रहा था तो टीचर ने पूछा समझ आ रही है, तो सारी क्लास ने कहा हाँ आ रही है, अच्छा मुझे नहीं आ रही। एनीवे आपके पास क्या आया कि मैंने अगर जो अप्लाई आपकी आपके पास ये आई वैल्यू आई, ये जो मोमेंटम ऑपरेटर की आपने वैल्यू लिखा ली, ये इसके ऊपर पुट की, इसमें वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये आ गया, ये माइनस टू एम इधर गया, तो जाहिर है माइनस वन बाई माइनस आपके लिए करो, बाकी सबको समझ आ गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जरा थोड़ा सा इनमें से किसी को कहें कि जाके समझे यार तुम्हें समझ आ गई है ना, तो सबको आ गई। वन डिवाइडेड बाई माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस वन ठीक है। अच्छा ये जो टू एम है ये डिवाइड हो गया तो वहां जाके ठीक है, तो एनीवे आपके पास ये जाहिर है वहां चला गया, तो एक सिंपल सा रूल है ई इज आइगन वैल्यू एम इज पास। यहाँ आपको पता है मैंने कहा क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, आपको इसके लिए रिलेटिविस्टिक के लिए क्वांटम थ्योरी पढ़नी पड़ती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो अलजेब्रा है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पे आइसोमॉर्फिक नहीं है, आपको मेरे ख्याल है मैंने पहले भी कई दफा बता चुका, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपके तमाम ऑपरेटर हर्मिशियन होने चाहिए और जो रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजी या फ्लैट स्पेस में जो आपका है सिग्नेचर है प्लस प्लस माइनस, उसमें अगर आप स्पेस को हर्मिशियन बनाते हो तो टाइम क्यू हर्मिशियन हो जाता है, और अगर टाइम को हर्मिशियन बनाते हो तो स्पेस क्यू हर्मिशियन होगा, तो जब आप ऑपरेटर निकालना सीखोगे तो ये सारे प्रूफ मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि दोनों का बैकवर्ड जो है हर्मिशियन होना पॉसिबल नहीं है, तो यही वजह है कि क्वांटम मैकेनिक्स का और रिलेटिविटी का जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का अलजेब्रा है वो एक दूसरे की एंटी है, मतलब अगर क्वांटम मैकेनिक्स को सही मानो तो वो, तो इस वजह से आपको उसके लिए नया अलजेब्रा डेवलप करना पड़ा ठीक है, वो क्वांटम फील्ड थ्योरी का अलजेब्रा है ठीक है, वो हम इंशाल्लाह ताला जब आपको मिल जाए ना क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लोगे और क्वांटम फील्ड थ्योरी में आओगे यार इस बात में आओगे तो इंशाल्लाह। अच्छा E is eigen value, mass is non-relativistic here as I have already explained, 2 is number, minus 1 is number,
तो ये तमाम क्या हुए, प्लीज ये तमाम क्या हुए, कांस्टेंट हुए। कांस्टेंट को जब भी किसी चीज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, न्यू कांस्टेंट होगा। तो आपके पास इसका मतलब है दिस अप्लाई दैट न्यू कांस्टेंट ई इज आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन दैट इज कांस्टेंट दैट इज नंबर ओके एंड एम नॉन रिलेटिविस्टिक कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट है ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक मास जो है या मास है नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मास जो है इसको एम नॉट कर दो, चलो अभी आपने एम लिखा है तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। माइनस टू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, माइनस टू इज कॉन्स्टेंट, ये तो आपको सबको पता ही नंबर है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट विद एन अदर कांस्टेंट द रिजल्ट विल बी ए न्यू कांस्टेंट ठीक है। सो माइनस टू एम ई इज कांस्टेंट एंड वी से दैट दैट इज अ सी स्टेट, हम इसे कोई कांस्टेंट है दैट इज अ सी स्टेट। अच्छा वैसे सी भी लिख सकते हो, ये आप पे की मर्जी है, अगर आप सी लिखना चाहते हो तो सी लिखो, ये मतलब उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। आप क्या चाह रहे हो, सी लिख लें, चलो सी स्केल ये या अमूमन हम लोग जो है वैसे फिजिक्स वाले ज्यादातर सी स्केल इसलिए लेते हैं स्केयर रूट ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप स्केयर रूट की फॉर्म में, क्योंकि कांस्टेंट का स्केयर रूट भी एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का स्केयर भी एक कांस्टेंट होता है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप उसको स्केयर रूट लेना चाह रहे हो या वैसे लेना चाह रहे हो, ठीक है। आप ज्यादा उसमें नहीं जाना चाह रहे तो आप सिर्फ सी ले, ठीक है। अगर आप सी ले लेते हो तो आपके पास ये अच्छा आ जाएगा, माइनस टू एम ई ओ सॉरी सी, अच्छा ये माइनस फोर एम, हाँ माइनस फोर एम, उसकी वजह मैं भी बता दूंगा ठीक है। तो दिस विल बी आर माइनस सी या एंड इफ दिस विल बी इक्वल टू जीरो ओके ओके व्हाट इज दिस, दिस इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा दिस इज साइकिल अबव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन, इसमें तमाम क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर भी लीनियर होता है, कांस्टेंट भी लीनियर होता है, सो दिस इज आल्सो लीनियर। अगर आपको लीनियर का ना पता चल रहा हो कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है या लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो मेरा एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ही लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शन पे अवेलेबल है ठीक है। जब आप कहोगे तो मैं आपको बता दूँगा, अगर देखना होगा वो आप नोट कर सकते हो ठीक है, मैं शेयर कर लिंक शेयर कर दूँगा। तो लीनियर जितने भी ऑपरेटर जो इक्वेशन होती है, मैं थोड़ा सा सिंपल साइन दे देता हूँ कि अगर उसमें जितने भी ऑपरेटर हैं वो लीनियर हो तो वो डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर क्यों है कि कोई डेरिवेटिव दो दफा आया है, मतलब टू टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर, और लीनियर क्यों है क्योंकि इसमें जितने भी ऑपरेटर यूज हो रहे हैं वो लीनियर है। अगर पोटेंशियल होता तो पोटेंशियल इज नॉन लीनियर फंक्शन ठीक है। जो भी फंक्शन होते हैं अमूमन साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है, वो नॉन लीनियर होते हैं। इसी तरह मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट होता है वो नॉन लीनियर होता है, मैट्रिसेस जो है वो लीनियर होता है। ये क्यों होता है ये सर आपको फर्स्ट लीनियर ठीक है, नॉन लीनियर जो चीज नॉन लीनियर नहीं, आप ये पूछ रहे हो कि नॉन लीनियर को क्यों पढ़ना, मुझे आपके क्वेश्चन की नहीं समझ। सर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटरमिनेंट ऑफ एन मैट्रिक्स नॉन लीनियर क्यों होता है, वो कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करेगा तो कोई भी। वैसे तो मैं कह रहा था वहां से देख लेते हैं, लेकिन वो ये है मैं सिंपली बता देता हूं, अगर कोई फंक्शन या ऑपरेटर ये किसी की डोमेन है और इसमें सी आप
सी अंदर चला जाए या बाहर चला जाए उसमें कोई फर्क ना पड़ता हो, कांस्टेंट जैसे डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑपरेटर में ये होता है कि कांस्टेंट इनसाइड चला जाए, डोमेन में चला जाए या बाहर आ जाए, डिफरेंशियल ऑपरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तमाम वो चीजें जिसमें कांस्टेंट इनसाइड भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, उसे कॉमन भी ले सकते हैं, तो वो लीनियर ऑपरेटर। इसी आपको पता है डिटरमिनेंट से बाहर नहीं किया जा सकता, 1/r से बाहर नहीं किया जा सकता, लॉगरिथमिक फंक्शन से नहीं किया जा सकता, कांस्टेंट sin थीटा आपको पता है sin 60 इज नॉट इक्वल टू sin 0 अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करें, यानी कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें बाहर मतलब आपको पता है कि 3 sin 60 इज नॉट इक्वल टू sin 180, ये इसके बराबर नहीं है तो ये नॉर्मल नहीं है। मैं थोड़ी सी जानता हूं बाकी आप उसमें से ठीक है, कि मतलब अगर फंक्शन के बाहर आने जाने से कांस्टेंट के बाहर आने जाने से फर्क ना पड़ता हो तो वो लीनियर कर रहेगा, और अगर फर्क पड़ता हो अगर नॉट इक्वल हो तो देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ नॉर्मल। और आपके जितने भी पोटेंशियल है खासतौर पर कोलम पोटेंशियल जिसमें 1/r आता है, आपको पता है पावर जो होती है वो हमेशा उसके कांस्टेंट इनसाइड आए आउटसाइड आने से फर्क पड़ता है, तो वो नॉन लीनियर, और जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन मुश्किल होता है ठीक है, तो उसको हम इसी वजह से हम फ्री पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें पोटेंशियल वाला पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आपको ज्यादा मुश्किल में अभी नहीं डालना चाह रहे, आस्ता आस्ता डालेंगे नहीं आस्ता आस्ता आपको प्रेशराइज करेंगे लेकिन आस्ता ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर। चलो स्टेटमेंट एक बार बता देते हैं कौन सी सर्वो दिस इज दिस एंड दिस इज दिस ठीक है, तो आपके पास ये अबव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करने का तरीका सीखा हुआ है, वो क्या होता है कि आप इसके फैक्टर्स बनाते हैं ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे आप इसको कंसीडर करोगे डी समझोगे और ये सी समझोगे अपने जैसे वो करते थे, इसके आप फैक्टर कैसे बनाते थे डी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल, वैसे वो सी स्केयर इसी लेते थे, अगर नहीं लेना वो भी नहीं मतलब सी स्केयर लेते हैं तो फैक्टर बनाना जरा लोगों को आसान लगता है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास डी किसके बराबर है, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे प्लस माइनस सी स्केयर, अगर सी स्केयर लेते हैं तो वो स्केयर होना होता सिर्फ इतना डिफरेंस आता है ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा दो फैक्टर आएंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा साई एच किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये किसके बराबर आ जाएगा ए एक्सपोनेंशियल आप चलो ई की फॉर्म में लिखो, मुझे लगता है आपने से बहुत से लोग जो है ना ई से ज्यादा खुश होते हैं ई एच ई की निस्बत ठीक है अच्छा, तो ई सी किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था पोजीशन के क्यू के साथ एल है एल आ जाएगा प्लस बी एक्सपोनेंशियल सी की माइनस ये दो फैक्टर है प्लस माइनस दिस विल बी क्यू एस ओके, सो दिस इज योर आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टन। सर जी यहां पे इधर से लिखा वो सी सर इसके ये सर किधर से लिया इसके समय ए ये कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप पढ़ते थे जी जी सर ठीक है, तो ये वो जो जो आपके पास फैक्टर्स बनते थे वो एक्सपोनेंशियल आप उसके एक्सपोनेंशियल सर ये ई की पावर आपने कौन सी लिए थे मैं दोबारा बता यस सर आपने इसके फैक्टर बने क्या बने सी आप क्या करते हैं ए कांस्टेंट ऑर्बिटर आर्बिट्री कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल आप पहला फैक्टर जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था क्यूएल उससे मल्टीप्लाई कर ठीक है प्लस बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी का स्क्वायर रूट और दूसरा क्यूएल तो वो जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है तो ये फैक्टर नॉर्मल अगर यहां सी स्क्वायर होता यहां सी स्क्वायर होता तो यहां सिर्फ सी आ जाता तो फिर यहां सी सी आता फिर स्क्वायर रूट नहीं अगर आपको स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम हो गया तो मैं सी लिख सकता तो ये आ जाएगा अच्छा सी स्क्वायर ही करते हैं सर ये यार नहीं माइनस नहीं आएगा उसमें माइनस नहीं आएगा नहीं माइनस आएगा इन दो बहुत के जरूर माइनस माइनस कैसे यार अगर आप बी स्क्वायर को इक्वल टू सी स्क्वायर लिखते हो
तो बी किसके बराबर होगा प्लस माइनस सी के। तो वो सूरत में आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? साई एच मैं लिख देता हूँ। उस सूरत में आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? ए एक्सपोनेंशियल ऑफ सी क्यू एल प्लस बी एक्सपोनेंशियल ऑफ सी माइनस क्यू। ये बन वो आपकी मर्जी है, ये लिख लीजिए। तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर आपने ऊपर पावर में देना है, वो तो आप आपके पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज दी योर चॉइस, इट डिपेंड अपॉन योर चॉइस। वैल्यू एक ही है। अच्छा अच्छा, ये लग तो रहा है अभी सॉल्व हो गया, बट वी डोंट नो द मीन द वैल्यू ऑफ सी। अगर आपको नहीं ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डी। अभी हमने ए की वैल्यू भी फाइंड करी, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। ये अभी हमने ई की वैल्यू तो फाइंड नहीं की ना, आइगन स्टेट तो हमने फाइंड कर दी, लेकिन आइगन स्टेट में सी इज स्टिल आर्बिट्री, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डी। ए और बी की भी निकालते हैं स्टिल नाउ द वैल्यू ऑफ सी और या सी स्क्वायर जो भी है। ओके Y से है। For this purpose, for this purpose, Y will consider equation Y again। हम equation Y को एक दोबारा से, एक दफा दोबारा से जो है उसको दोबारा consider करें, ठीक है? बेटा समझ आ रही है? हम आए तो दोबारा करते हैं, तो वो क्या आएगा आपके पास? आप कुछ पूछना चाह रहे हो? तो अगर हम इसको दोबारा कंसीडर करें तो हमारे पास क्या था? दिस इज दिस मीन पी एल केयर आई एच हमने y इक्वेशन को दोबारा से, ठीक है? अच्छा p स्क्वायर क्या है? वैसे तो मैंने आपको वो बताया हुआ है उस t फॉर्म में कि p एक ऑपरेटर है और ये इस पे क्या हो रहा है अप्लाई। अच्छा अब यहां e एक कांस्टेंट है, p एक ऑपरेटर है, ठीक है? व्हेन वी अप्लाई स्केयर का मतलब क्या है कि ये ऑपरेटर क्या हो रहा है दो दफा है। ये ऑपरेटर हमारे पास कितनी दफा अप्लाई हो रहा है? दो दफा। सो पी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू, अच्छा आप आपके पास पी ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, इसके अलावा यहां कोई ऑपरेटर है? If p is, if 2m is constant, p is operator applying on this and this is giving this eigenvalue and the state. This state. ये क्या represent कर रहा है कि actually जो this eigen state है, ये p, ये क्या हो रहा है? p इस पे apply होगा और ये आपके पास constant देगा। अब 2m को उधर ले जाओ, फिर भी 2m e आप इसे ऐसे भी, मतलब चलो मैं आपके लिए और simple कर देता हूँ। पी एल और पी एल साई एच टू एम ई, ये आपके पास साई एच। अब ये क्या है? ये जो टू एम है, टू एम ये सारा कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होती है? आइगन वैल्यू होती है। हमने सेकंड पार्ट में यही पढ़ा। तो ये क्या होगा? दिस विल बी आइगन वैल्यू ऑफ
आप पी दो दफा पी ऑपरेटर अप्लाई है पी स्क्वायर या पी स्क्वायर ठीक है पी एल पी एल स्क्वायर मोमेंटम ये आइगन वैल्यू क्योंकि टू भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट है और ई भी आपके पास है कांस्टेंट तो जो कांस्टेंट को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट विल बी अ कांस्टेंट अगर कोई ऑपरेटर मैंने क्या कहा इफ सॉरी इसके ऊपर अगर कोई ऑपरेटर किसी स्टेट पे अप्लाई होता है और वो ही स्टेट रहती है देयर इज अ नो चेंज इन अ स्टेट एंड यू गेट अ कांस्टेंट तो ये कहलाएगा ऑपरेटर ये कहलाएगा आइगन स्टेट और ये कहलाएगा आइगन वैल्यू और ये कहलाएगी वो आइगन और मोमेंटम की आइगन स्टेट तो इसका मतलब है ये जो पीएच है ये सिर्फ हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट नहीं है ये बल्कि किसकी है हैमिल्टोनियन की तो है ही है दिस इज आल्सो द आइगन स्टेट ऑफ पी दिस इंप्लाइज दैट साई एच इज आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन सॉरी नॉट आई must not write a Hamiltonian free Hamiltonian because हमने potential को zero it is eigen state of the free Hamiltonian as well as momentum operator अच्छा वैसे ना एक बात और भी है ये चलो वो अभी पता नहीं चलेगा आपको अभी बात में वो भी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जो आ रहा है वो अभी बात में पता चलेगा ये भी असल में आइगन स्टेट उसकी थी तो ये आपके पास है आइगन स्टेट का प्री हैमिल्टोनियन एज वेल एज द मोमेंटम ऑपरेटर ओके तो जब ये मोमेंटम की भी है तो इसका मतलब है क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो दिस विल बी स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन एज वेल एज द मोमेंटम सो व्हाट यू गेट you will get that this state is Hamiltonian but it is also a you can say replace as a p yeah theek hai so ye free Hamiltonian ki bhi eigen state hai aur momentum okay so hum ise replace karte to p jab इस स्टेट पे अप्लाई होगा या पी एल स्क्वायर अप्लाई होगा और इधर क्या था टू एम ई तो पी आ रहा है ये आइगन वैल्यू और ये पी जब अप्लाई होगा तो हमने किसके बराबर प्रूव किया था के एन के एन के था ये जब इस पे अप्लाई हुआ तो आप हमने बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव इट बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव हमने क्या प्रूव किया है पी एल जब भी ऑपरेटर अप्लाई होगा साई पी पे ये क्या देगा आपको एल एंड के साई पी तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी अगर इसको देखा तो ये क्या आ जाएगा यस आप डायरेक्टली भी एनके एन स्क्वायर के स्क्वायर भी लिख सकते हो ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इसलिए मैंने सिर्फ एक ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपके पास आ गया पी एल एन के ठीक है और ये टू एच काम नहीं यहाँ ठीक है यहाँ चल ये आ गया तो आपके पास क्या आ गया ये इक्वेशन क्या बन गई टू एम ई ये टू एम ई हमने सी लिया इसकी जगह हम या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन के
पी एल साई टी ये आ जाएगा आपके पास। चलो अभी यही रहने दो, शख्स ही ना दिखे आपके पास ये। अब फिर ये पी एल ऑपरेटर है, ये एन के कांस्टेंट है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑपरेटर से लेंगे ऑपरेटर, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये दोबारा इसके अप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा। अच्छा, इसकी एक वजह और भी बताई जा सकती है, वैसे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन का पावर लेना भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा वैसे भी एन के इज अ नंबर और एन के और पी एल इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो क्या होगा, वैसे मैंने वो उसमें प्रूव भी किया हुआ है आपके पास, वो जो सॉरी जब हमने पाइथन ब्रैकेट पढ़ी थी कि कांस्टेंट हो तो वो क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो ये होगा जीरो। तो हम यानी जीरो होने से कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया है कि पी साई पी विल बी इक्वल टू पी एन के। कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब होता है कि इनको ऑर्डर को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज का कम्यूटेशन रिलेशन जीरो होता है, मैं बताता हूं ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन से मराद क्या है, ए बी माइनस बी ए, ये मैंने आपको बताया था। आगे फिर हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, ऐसे ही है ना, मैंने बताया था। और ये जीरो होगा तो इसका मतलब है जब ये जीरो होगा तो आप इसको नहीं समझ आए मैम, अगर ये जीरो है, ये यहाँ ये भी जीरो है ना, ये जीरो है ना, अगर किसी चीज का कम्यूटेशन रिलेशन जीरो होगा तो वो क्या होगा, ए बी ऑपरेटर विल बी इक्वल टू बी ए, यानी ये इसका प्रॉब्लम। यही काम हमने ये किया है कि आपके पास ये जीरो है तो ये बाएं साइड है, नहीं समझ आया, नहीं आई, नहीं उनको नहीं है, इसको नहीं आई, ये नोट कर, मैं फिर दोबारा ये नोट कर लो। ये सिर्फ लाइन नोट कर लो, मैं दोबारा आपको आइए, मैं दोबारा जब तक समझ ना आए बार बार पूछो, ठीक है। तू पता नहीं किधर फंस गया, एक हमारी क्लास में एक लड़का होता था, उसका उसका नाम ही क्लास था अपने तमाम क्लास में ना, उसका नाम मैं दोबारा बता, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज जीरो, ठीक है। जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि मैंने ये बताया, जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है इसका मतलब ये है कि आप एक ऑपरेटर, ये आपके पास एक है, इसका मतलब होता है कि जो चीज जीरो है ना माइनस, ये कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक दफा बताया होगा आपको, बताया था कि ए बी के कम्यूटेशन रिलेशन से मराद क्या है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ये इसका कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब है, ठीक है। यहीं यहां भी इसका मतलब है, ये ए है ये आपका है। तो ये क्या लिखा, ए बी माइनस बी, और ये अप्लाई जाहिर है ऑपरेटर किसी चीज पे अप्लाई होते हैं तो जाहिर है ये साई बी जो है ये क्या आपके पास, ये आपके पास जीरो है, ठीक। अच्छा, ये जीरो है तो जाहिर लेफ्ट राइट पे जाएगा तो ये आपके पास ये इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब समझ आते हैं, ये जीरो है, ये इधर जीरो है तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा,
तो ये यानी पी एन के आगे हो या पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज याद में रखिए, ये आगे इसकी वजह से चीज ये फार्मूला मैंने यूज किया है। ठीक है, आप समझ आ गए? थैंक्स। ठीक है, तो हमने ये किया कि ये एन के जो था इसको हम बाहर लिया, वो कैसे आए ये दैट इज द रीजन। जैसे मैं अगर ब्रैकेट के अंदर कहूँ तो ये रीजन है उसको सारी जस्टिफाई कर। ठीक है, ओके। तो आपके पास ये आ गया, ये दोबारा इसमें अप्लाई होगा तो ये क्या देगा? पी जब इस पे हमने स्टेट पे अप्लाई हो रहा है तो एन के ये वाली, ये वाली दोबारा हमने आगे वैल्यू अप्लाई की तो ये क्या आ जाएगा? एन के और एन के पाई पी कार आ रही है एक मिनट, इसका तरीका होता है इसका ना ये दबा है नहीं होगा अब किधर से होगा। ठीक है, अब नहीं आएगी क्लास से ज्यादा जरूरी एक बोतल में वैसे भी मैं काम करता हूँ, एक से ज्यादा मेरे पास ही बंद नहीं है मेरे लिए, मेरे में इतनी आई विल नॉट एक्स्ट्रा जीनियस लाइक यू और इधर में मैं तो आपके पास ये। ठीक है, ये मैंने दोबारा आ गया पहले। ठीक है, तो ये एन के और ये आपके पास आ गया एन के स्क्वायर पाई पी दैट इज इक्वल टू टू एम पी। ठीक है, और तो ये क्या चीज थी टू एम ई, ये क्या था, इससे क्या साबित हुआ? ये आपने सी लिया हुआ तो इसका मतलब है एन के स्क्वायर इज इक्वल टू 2ME, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सी। ओके, तो ई वाज दी आइगन वैल्यू, तो हमें आइगन वैल्यू भी निकालनी है हैमिल्टोनियन की, हमें की एनर्जी की क्या वैल्यू थी, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई फ्रॉम हियर ये इसको इक्वेशन जेड कह दो, तो सो आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन हमें तो हैमिल्टोनियन की क्या आ गई, सो आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन क्या आ गई, आइगन वैल्यू क्या थी हैमिल्टोनियन की ए, और ए किसके बराबर आ गया ए इज इक्वल टू एन के स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये आपकी आ गई आइगन वैल्यू। ठीक है, और आइगन स्टेट क्या आ जाएगी आपके पास, आइगन स्टेट, आइगन स्टेट क्या आ जाएगी आपके पास साई पी जो कि सेम होगी, इट मस्ट बी अ सेम अकॉर्डिंग टू रूल साई पी आर a exponential of किधर थी ये a exponential of c की जगह आ जाएगा आपके पास n k square q plus b exponential of minus n k square q q के साथ
अच्छा वहाँ ठीक है, क्या हुआ? Q L. अच्छा नाउ इट नो यू मे कंपेयर इट. अगर इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई मे राइट इट इन दिस फॉर्म, दिस एक्सपोनेंशियल इज प्लीज. हाँ इसको यार एक्सपोनेंशियल आपको काम तो नहीं कर रहा, ए ई की पावर एन के एन स्क्वायर के स्क्वायर क्यू एल प्लस बी ई की पावर एन स्क्वायर के स्क्वायर माइनस क्यू एल. इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पोजीशन है ना, क्यू एल पोजीशन है ना, एक माइनस का मतलब यही मैं बताना चाहूँ. प्लस क्यू एल से मुराद है फॉरवर्ड पास, माइनस क्यू एल से मुराद क्या हुआ? रिवर्स. ठीक है. अच्छा अब आपने जो अच्छा अब आपके पास आगे वैल्यू निकल आई, ठीक है, दिस इज एक्स, ये सॉरी इसका नाम अल्फा रख लो, और नहीं हमें सी से रस नहीं, हमें इसकी अगेंस्ट स्टेट से, इसका नाम बीटा और मोमेंटम ऑपरेटर हमें पता था. जी मैम, तो हमने मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन वैल्यू भी निकाल ली, ई इज आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन स्टेट भी निकाल ली, तो ये सब कुछ आ गया. लेकिन अभी थोड़ा कुछ चीजें डिस्कस करने वाली है, सिर्फ दो मिनट. मैंने आपको कहा था आधे घंटे से, जब तक ज्यादा ना हो जाए आपको बोलना, ठीक है, और आधे घंटे से ऊपर नहीं होगा ना, सिर्फ दो मिनट. इसको आज के टॉपिक को कम अज कम तो अच्छा जो चीज डिस्कस करने वाली है वो ये है कि यहाँ मैं ई ले रहा हूँ, यहाँ एच ले रहा हूँ, और यहाँ ये गए. जो असल में जो बात बताने वाली कि आपको याद होगा फाइव ई के आ लिया था आपने, ये तो था आपके पास एच, एक्सक्यूज मी, ये आपके पास था एच. और जबकि साई पी जो है वो क्या है, वाइल वी हैव ड्राइव वी हैव फाइंड वी हैव फाउंड, हमने क्या फाइंड किया था, फाइव पी हमने किसके बराबर निकाला था, यहां फाइव पी और वैल्यू आ रहा है, वहां हमने पहले क्या निकाला था, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ एन स्क्वायर के स्क्वायर क्यू है, वहां हमने ये निकाला था, यहां हमने इसके साथ एक और चीज निकाल दी. या तो इसको हम गैमा कहते हैं, इसको हम जेड कहते हैं, ठीक है. अच्छा या तो ये गलत है या वो गलत है, मतलब वाई बोथ आर सेम एंड वाई दे आर डिफरेंट. यूज होया हो तो काफी कुछ मसला नहीं है, ना यूज होया, ठीक है. एनीवे हमने मोमेंटम यहां पी निकाला है हमने ये, और यहां पी निकाला है एम स्केयर के स्केयर ही था. आप देखोगे यही था सर, एस के पी स्केयर क्या सर, एन के स्केयर के सर, स्केयर नहीं है सर, एन के स्केयर नहीं है सर, इसमें बहुत कम सर, एन के नहीं एक्सपोनेंशियल इसके ब्रैकेट फैक्टर क्या है सर, ये कैंसिल हो जाएगा ना अंडर रूट से सर, ये अंडर रूट के लिए सर, अंडर रूट था, अंडर रूट हो रही है, ये कैंसिल हो, सी अंडर रूट था, हाँ सी अंडर रूट था, यस यहाँ ये नहीं है, स्क्वायर रूट था ना, सी का स्क्वायर रूट था, मैं भी कहूँ क्यों बदल, यहाँ ये नहीं है, इसे करेक्ट कर लो बेटा, वो सही कह रहे हैं.
ये स्केयर नहीं था, स्केयर रूट था ना, उसके साथ स्केयर रूट था, इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल के साथ स्केयर रूट था, वो एम स्केयर के स्केयर का एम के एम के होल स्केयर का स्केयर रूट क्या होगा, वो ये इस वजह से ठीक, मैं भी परेशान हो गया था कि रिजल्ट नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ है एन के क्यू एल और यहाँ है आपके पास एन के क्यू एल प्लस बीटा बी, क्या इन दोनों में से एक रिजल्ट गलत है या दोनों रिजल्ट ठीक है? एक्चुअली आंसर विल बी ए प्राइम एंड एंड बीटा बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू है बिकॉज साइड पी आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर has is the solution of differential equation eigen state of momentum operator or have two solution of differential equation. ये आपको पता है differential equation है और they have a two solution. One with plus QL moving forward y. एक solution क्या है? ये जो plus QL है, ये forward y के लिए और minus QL, यानी जैसे plus x का मतलब है आप आगे जा रहे हो और minus x का मतलब है आप रिवर्स जा रहे हो. And minus QL moving for reverse path. तो अगर कोई चीज वापस मूव हो रही है तो एक प्लस एक्सिस एक्सिस के लाभ और एक नेगेटिव एक्सिस. एंड वी नाउ दैट फिर लीनियर अलजेब्रा का कोर्स का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा उसका इतना मसला नहीं है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि लीनियर लीनियर वेक्टर स्पेस पर आती है और जो चीज लीनियर वेक्टर स्पेस बनाए तो उसका सम भी उस चीज का सॉल्यूशन होता है. तो ये चाहे दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक मूविंग फॉरवर्ड और एक मूविंग नेगेटिव, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. मैं लिखने लगा एक मिनट, सिंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेक्स ऑफ वेक्टर स्पेस रेफरेंस लीनियर अलजेब्रा कोर्स, ओके, सिंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेक्स अ वेक्टर स्पेस सो लीनियर कॉम्बिनेशन
of solution will also be solution of same differential equation. So equation, so phi p is exponential n k q plus b exponential n minus n k q minus n k q l for alpha. Is general solution, general solution, and actually the eigen state of momentum operator as well as for free Hamiltonian. So this is the this eigenstate. Actually this is the eigenstate. Ye momentum ki bhi eigenstate hai as well as the eigenstate of Hamiltonian free. Okay, so this is actually the complete eigenstate. Okay. And eigen value क्या होगी इसकी फिर दोबारा state की eigen value क्या है n k square n k square over two ये दोबारा लिखते हैं फिर with eigen value क्या है आपके पास n k square by two over n square k square over 2 ये yeah. तो आज हमने क्या फाइंड किया we have defined the value of eigenstate of Hamiltonian free Hamiltonian and the eigenstate.